गोरखपुर से नव निर्वाचित सांसद रवि किशन शहर में होने वाले विकास कार्यों और समस्याओं पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसी सिलसिले में सोमवार को सांसद रवि किशन ने कौवाबाग रेलवे क्रॉसिंग के पास बन रहे अंडरपास का निरीक्षण किया। कौवाबाग अंडरपास मार्च में ही बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हुआ और इसके देरी को लेकर रवि किशन ने आला अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने सांसद रवि किशन को बताया कि अंडरपास में पानी और ट्रैक के नीचे मिट्टी हटने में कुछ परेशानी आने को लेकर देरी हुई है, लेकिन उसे सावधानी पूर्वक पूरा कर लिया जाएगा और ट्रैक को सुरक्षित रखते हुए काम को पूरा कर लिया जाएगा। सदर सांसद ने जल्द से जल्द अंडरपास बनाने का दिशा निर्देश दिया। इस दौरान गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डिप्टी चीफ इंजीनियर आशुतोष शुक्ला व सदर सांसद रवि किशन ने कहा, बड़ा ट्रक व्रक नहीं आ पाएगा, दीपुर वाला जाम खत्म हो जाएगा, बहुत खत्म हो जाएगा, 80% वहाँ की समस्या दूर हो जाएगी। फोटो दे दीजिए आराम से, पीछे देखना बरसात सही अभी है, यही तनक से शुक्ला जी कहाँ हैं? आइए आइए शुक्ला जी, पीछे देखा यार। अरे वैसे मार्च था तो थोड़ा डिले क्यों था ये जानने की चिंता थी, मुख्यमंत्री जी को भी थी, हमको भी थी। और चूंकि बरसात आ रही है, जो जाम लग रहे थे, ये समस्या बहुत बड़ी समस्या रही, तो उसको निदान करने के लिए इसको सोचा गया था। तो सर, ये देरी का कारण क्या था ये जानना था हमको, क्या था। फिर हम यहाँ आए और इनसे मिले और आप बताएं। आशुतोष शुक्ला, डिप्टी चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन। 45 मीटर की बॉक्स पुशिंग है। बॉक्स पुशिंग में एक तकनीकी सबसे समस्या ये रहती है कि हमें ऊपर ट्रेन पैसेंजर्स ट्रेन भी पास करनी होती है और नीचे बॉक्स पुश करना होता है। तो पुशिंग के दौरान कभी कभी जो मिट्टी फ्लैश हो जा रही है उससे हमें जो है समस्याएँ आ रही हैं। इसलिए अब ये निर्णय लिया गया है कि यहाँ पर चारों ट्रैक को हम गर्डर लगा के पहले कि अगर मिट्टी गिरती भी है तो ट्रैक हमारा सुरक्षित रहे उसको इंश्योर करते हुए बॉक्स पुशिंग करें। इसीलिए कुछ महीने विलम्ब हुआ है, लेकिन विभाग का पूरे प्रयास रहेगा कि सभी संसाधन लगा के इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें। नहीं, अभी इसकी कोशिश, अब इनकी समस्या को समझ गए, लेकिन उन्होंने हमने पूरा आश्वस्त किया है कि इसको जल्द से जल्द करेंगे। थोड़ा मैन पावर भी है और अगर ज़रूरत होगी तो हमने कहा कि आपको कोई भी हमारी तरफ से या सरकार की तरफ से ज़रूरत होगी वो पूरी मुहैया करवाई जाएगी, लेकिन काम जल्द से जल्द करें। और इन्होंने पूरा तो वही निरीक्षण किए और हमको लगता है कि इनकी समस्या थी वो बिकॉज ट्रेन का मूवमेंट है चल रहा है, उसके अनुसार ब्लॉक वाइज उनको पुश करना होता है, तो ये समस्या है, इसको जल्दी इसका निवारण करेंगे। बट रात में नाइट वीकेंड वर्क नहीं, रात के वक्त इसमें जब ट्रेन का मूवमेंट होता है उस समय बॉक्स पुशिंग नहीं किया जाता। नाइट है, नाइट में कैसा रहता है? नाइट में भी जैसे लगातार ट्रेनों का मूवमेंट है, जो बीच में खाली समय मिलता है उसी में बॉक्स पुश किया जाता है।